करते हैं सेट सपोर्ट सिस्टम थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और लग रहा कृष्ण पाल जी अभी लग रहा पैनल से आउट हो गए हैं किसी कारण से। मैं कृष्ण पाल जी को एक बार चेक करता हूँ, लेकिन इन द मीन टाइम विश्वास दादा मैंने आपको अभी कोस्ट बना रहा हूँ, आप 2 मिनट के लिए बात कीजिएगा। और कृष्ण पाल जी को मैं देखता हूँ, मेरे को लग रहा आउट हो गए हैं। विश्वास दादा आप अनम्यूट कर लीजिएगा, मैंने कोस्ट बना दिया आपको। थैंक यू महागुरु जी, आपका कोटि कोटि प्रणाम महागुरु जी। आज के एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग में आपका स्वागत है महागुरु जी। और सबसे पहले मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ। मैं एनसी विश्वास, ट्रिपल डायमंड। दोस्तों आज की प्रोग्राम बहुत ही सुपर डुपर होने वाला है। तो आज की प्रोग्राम में आप नेट को सेट करके बैठे, आप पेंडरी लेके बैठे, और जहाँ पे भी है आप, थोड़ा सा मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा, हम लोग नेशनल पैनल में है, अपना डिसिप्लिन को बदन में जो है एक साथ डाल के बैठे, कम से कम कोई नांगा बदन में ना बैठे, ये जरूर ध्यान दे। और दोस्तों आज जिस टॉपिक में बात होने जा रहा है उस टॉपिक का नाम है ग्रुप मीटिंग। कि ग्रुप मीटिंग में बड़ा काम कैसे हो सकता है, ग्रुप मीटिंग का माध्यम से क्या क्या फायदा हो सकता है, ग्रुप मीटिंग का माध्यम से हम लोग क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, ये सारे चीज हमारे को आज पता चलेगा। हमारे बीच में जो आज ग्रेट स्पीकर है मिस्टर कृष्णपाल सिंह जी, थोड़ा देर के लिए हो सकता है उनका नेट का कोई इशू होगा, जिसका वजह से अभी तुरंत आने वाले हैं। तो लेकिन दोस्तों ग्रुप मीटिंग में किस तरह से करना है, ग्रुप मीटिंग सभी लीडर करते हैं, लेकिन ग्रुप मीटिंग में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है बहुतों को पता नहीं है। लेकिन आज हम जानेंगे, सुनेंगे एक सक्सेस पर्सन की माध्यम से कि ग्रुप मीटिंग में किस तरह से बात करना है, कितना टाइम का ग्रुप मीटिंग होना चाहिए, ग्रुप मीटिंग में फायदा क्या क्या है, ग्रुप मीटिंग में किस तरह से कमिटमेंट लेके दुनिया में लोग फायदा उठा रहे हैं, सारे चीज के बारे में हमारी स्पीकर बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि इस बार ट्रिपल सी का चेक भी बना है, बहुत लोगों को अच्छा अच्छा चेक बना है, एकदम ऐतिहासिक चेक भी बना है। बहुत सारे लोगों ने जो है टारगेट भी फाइट किया है, बहुत सारे लोगों ने रैंक अचीव किया है। तो दोस्तों ये एक से बढ़कर एक 5-6 शॉप जो हमारे को मौका दे रहा है, एक से बढ़कर एक मौका दे रहा है, इस मौका का फायदा हमें उठाना है। तो दोस्तों कितना भी आज बोलो महागुरु जी का उतना कम है, क्योंकि महागुरु जी का माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो हमें फायदा सुबह उठ के मिल रहा है, सुबह एनर्जेटिक जो एनर्जी मिल रहा है सुबह, इसमें लाखों करोड़ों से भी मिलेगा नहीं। तो हम लोग भाग्यशाली है कि हम लोग अगला जन्म में कोई अच्छा कर्म करके रखा था, जिसका बदलक हमारे को ऐसे मेंटर मिला। और हमारी मेंटर सिर्फ बोल के नहीं दिखाता है, आगे आगे करके जाते हैं। अगर बात करें कि हफ्ता में करोड़ों का चेक लेके देखाया, ऐसे नहीं बोलता कि लेके ले सकते हैं, लेके देखाया उसका बाद काम हियार बोलता है कि आओ काम हियार, आप भी ले सकते हैं। उसका बाद बात करें कि फॉर्ब्स जैसे मैगजीन में अपने आप का बारे में दर्शाना, ये कोई आम आदमी का बात नहीं है, बहुत बहुत। और अवार्ड की बात करें महागुरु जी हर अवार्ड को ले चुका है, वह तो इस इंडस्ट्री का बादशाह है, बोल के नहीं करके दिखा रहा है और काम यार बोल रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे को जो है हर दिन सुबह एक सक्सेस स्टोरी मिल जाता है, यानी कि सक्सेस की बीज बोया जा रहा है। आने वाला दिन में हम लोग सारे इतिहास रचेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि
हम लोग सभी जानते हैं कि सूर्य देवता पूर्व की ओर उगता है और पश्चिम की ओर जो है अस्त होता है। ऐसे ही कोई हमको अगर बोले कि नहीं सूर्य देवता से उत्तर की ओर उठता है तो हम बिलीव नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर बहुत सारे लोग बोलता है कि ऐसे होता नहीं, डायमंड बनता नहीं, हजारों डायमंड बन चुका है दोस्त, हजारों डायमंड बन चुका है और हमको सिर्फ डायमंड की जो है डायमंड की लिस्ट में अपन की नाम लिखना ये बहुत बड़ा बात है। तो दोस्तों डायमंड की बीज आज बोया जा रहा है, बोया जा रहा है, बोया जा रहा है, आने वाला दिन में हम लोग फसल काटेंगे। बस वही है कि एक सक्सेस स्टोरी में